क्यों दोस्तों, लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट जैसे। दोस्तों मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर से कितना क्रिस्पी और अंदर से कितना सॉफ्ट बना है ये मेदू वड़े। तो आज हम बनाने वाले हैं दोस्तों बिल्कुल हलवाई स्टाइल मेदू वड़े। चलिए बना लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंचल और आप सभी का स्वागत है आरसी फूड केंद्र में। दोस्तों मैंने 250 ग्राम उड़द दाल लिया है और इसे मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया था। देखिए दोस्तों अब ये भीग चुका है। देखिए इस तरीके से मिसल के देख लेंगे, अगर ये आसानी से मिसल जाए या टूट जाए इसका मतलब ये अच्छे से भीग चुका है। चलिए दोस्तों अब पीस लेते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखें हमें दाल को पूरी तरीके से पीसना नहीं है, हल्का दरदरा पीसना है दोस्तों, नहीं तो जैसा हम क्रिस्पी बनाना चाह रहे हैं दोस्तों वैसा बाहर से क्रिस्पी नहीं होगा। देखिए दोस्तों मैंने पीस लिया है और इस तरीके से हल्का दरदरा हमें छोड़ना है। और दोस्तों एक बात और बता दूँ, दोस्तों इसे पीसते टाइम इसमें पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये पतला हो जाएगा और जैसा शेप आप देना चाह रहे हो वैसा शेप नहीं बनेगा और तलने में परेशानी होगी आपको। अगर आपको पीसते टाइम दिक्कत हो रही है नहीं पीस पा रहा तो इसमें बस थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा, 2 से 3 चम्मच के करीब। इस तरीके का गाढ़ा पेस्ट रखना है दोस्तों। अब हम इस तरीके का बड़ा बर्तन ले लेंगे दोस्तों और उसमें पिसा हुआ दाल डाल देंगे। इसे अच्छे से फेंट लेंगे दोस्तों 10 से 15 मिनट तक, जब तक ये फ्लफी ना हो जाए। इसमें अभी नमक नहीं डालेंगे दोस्तों, नहीं तो ये पतला हो जाएगा नमक डालने से। दोस्तों इस तरीके से आपको हाथों से फेंटते रहना है 10 से 15 मिनट तक, यहाँ पे थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी। दोस्तों ये सांभर के साथ बहुत टेस्टी लगता है। दोस्तों सांभर की भी वीडियो आप सभी से हमने शेयर की हुई है, अगर आपको देखनी हो तो ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप चाहो तो देख सकते हो। लेकिन ये वीडियो पूरा देखने के बाद दोस्तों अगर आपको और कोई सी वीडियो देखनी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे फेंटते फेंटते 15 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च, चॉप किया हुआ धनिया पत्ता, 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप तुरंत बना रहे हो तो इसमें आप प्याज डाल सकते हो, अगर आप तुरंत नहीं बना रहे कुछ टाइम बाद बना रहे हो तो आप इसमें प्याज नहीं डालिएगा, नहीं तो ये गीला हो जाएगा प्याज क्योंकि पानी छोड़ता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों आप कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हो जो तेल आपके घर में यूज़ किया जाता है, मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया है। तेल गरम कर लेंगे दोस्तों, तेल ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, नॉर्मल तेल गरम कर लेंगे। दोस्तों वड़ा बनाने का एक सही तरीका मैं आपको बता रही हूँ, एक कटोरी ले लेंगे, कॉटन का कपड़ा गीला करके इस तरीके से हम पीछे तक बांध लेंगे और कपड़े से ही पकड़े रहेंगे, इससे क्या होगा कपड़ा सही से टाइट रहेगा। फिर उसके बाद आप जिस भी साइज़ में वड़ा बनाना चाह रहे हो उस साइज़ में उठा के हम उसके ऊपर रख देंगे कटोरी के ऊपर और इस तरीके से राउंड करके बीच में होल कर लेंगे, आराम से डाल देंगे। दोस्तों हमारा तेल परफेक्टली नॉर्मल गरम हो चुका है, अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। मैं आपको दोबारा बना के दिखा देती हूँ, देखिए राउंड कर लेंगे फिर हम केयरफुली आराम से डाल देंगे इस तरीके से। दोस्तों मैं आपको और दूसरा तरीका बता देती हूँ, अगर आपको वैसे बनाने में प्रॉब्लम हो रही हो इस तरीके से आप आराम से बना सकते हो। हम एक करछुल ले लेंगे, फिर उसी तरीके से बैटर रख के राउंड करके बीच में होल करके तेल में केयरफुली डाल देंगे। दोस्तों पहले पानी से भिगा लीजिएगा करछुल को, फिर आराम से तेल में डालने में आसानी होगी। अब इसे पलट लेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकने देंगे। हमारे मेदू वड़े बनके रेडी हो गए हैं, अब हम निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट जैसे, स्वाद भी बहुत अच्छा होगा मेदू वड़े का। इसी तरीके से मैं सारे बना लेती हूँ दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर को ताकि वो भी मेदू वड़े बना सके। मैंने सारे मेदू वड़े बना लिए हैं।
मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही ऐसी आपको और रेसिपी देखनी हो दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलती रहे। देखिए दोस्तों कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल जालीदार बना है ये अंदर से, बहुत ही सॉफ्ट। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए दोस्तों। दोस्तों अब आप लीजिए इस मेदू वड़े का मज़ा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।